कांग्रेस से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हुड्डा ने मुलाकात की है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूर्व पीएम से मुलाकात की है। तो मनमोहन से मुलाकात की और विधायक करण दलाल भी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। बड़ी खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई आर्थिक मंदी को लेकर की गई चर्चा। तो पूर्व प्रधानमंत्री से मुलाकात की है दिल्ली से, बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली से पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने पूर्व पीएम मनमोहन से यह खास मुलाकात की है। तो विधायक करण दलाल ने भी पूर्व पीएम मनमोहन से मुलाकात की। तो विधायक भी इसमें शामिल रहे और हुड्डा भी इसमें शामिल रहे और आर्थिक मंदी को लेकर यह चर्चा की गई है। ऐसा बताया जाता है कि आर्थिक मंदी के ऊपर यह विचार विमर्श हुआ है, ये चर्चा हुई है। तो पूर्व प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे हुड्डा, उनके साथ एक विधायक भी मौजूद थे। तो विधायक करण दलाल भी मौजूद रहे और प्रधानमंत्री से उन्होंने खास मुलाकात की। आर्थिक मंदी को लेकर यह चर्चा बताई जाती है कि आर्थिक मंदी पर विचार विमर्श किया गया। और विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस कैंपेनिंग कमेटी की पहली बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव ने की। बैठक के बाद कैप्टन अजय यादव ने कहा कि पार्टी ने स्टार प्रचारकों के नाम फाइनल कर दिए हैं। इनमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ ही कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित कांग्रेस के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। इसके लिए जिला स्तर पर भी कैंपेनिंग कमेटी बनाई जाएगी और बैठक के बाद हुड्डा ने बताया कि जिला स्तर पर भी कमेटी का गठन किया जाएगा। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने बताया कि कल कांग्रेस के सीईसी बैठक होगी। तो कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल रहेंगे कैंपेन कमेटी में और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यह बयान है, उन्होंने ये जानकारी दी है। तमाम जो बड़े नेता हैं इस वक्त मंथन में जुटे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया, कुमारी शैलजा भी यहां पर मौजूद थी और कुमारी शैलजा का भी बयान है, कमेटी के अध्यक्ष अजय कैप्टन का भी ये बयान है और कल होगी सीईसी की ये खास बैठक। तो कुमारी शैलजा ने कहा है कि कल सीईसी की खास बैठक होगी। आपको बता दें कि चुनाव के मद्देनजर इस वक्त बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। तो कांग्रेस में मंथन चल रहा है और विधानसभा चुनाव पर यह मंथन हुआ है और खास बैठक सीईसी की होगी। इसके बाद क्या नतीजा निकलेगा ये देखना होगा। क्या कैसे करना है, कौन कौन हर डिस्ट्रिक्ट पे कमेटी बनेगी तो कैंपेन करेंगे और इसी बारे में सभी होंगे। अब वो इसीलिए देगी कैंपेन में सभी होंगे। नहीं वो तो पहले तो पीईसी की है, फिर स्क्रीनिंग कमेटी की है, फिर सीईसी की है। कुछ नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं। हमारा जो चुनाव प्रचार होगा उस पर सभी साथियों ने अपने अपने विचार रखे, अनेकों सुझाव आए हैं कि आगे आने वाले वक्त में हम कांग्रेस पार्टी के प्रचार को कैसे इफेक्टिव बनाएं और जो सरकार की गलत नीतियां हैं उनको उजागर करें और कांग्रेस पार्टी का जो एक हमेशा पॉजिटिव संदेश होता है उसको लोगों तक हमने पहुंचाना है। इन सब बातों पर चर्चा हुई। कल है हमारी सीईसी की बैठक है तो उसका तो अलग एजेंडा है, उस पर कल बातचीत होगी। उसके बाद मैनिफेस्टो कमेटी 27 को है, उसके बारे में भी कुछ बातें यहाँ हुई जो हम आगे उनको पास ऑन। जो आज जो है हमारी पीसीसी प्रेसिडेंट कुमारी शैलजा और सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और तमाम हमारे मेंबर थे, आज बेसिकली हमने ये फैसला किया है कि हम लोग एक तो जो स्टार कंपेनर होंगे हमारे उनको जो है हम लोगों ने कुछ नामों को हमने आज फैसला किया किन किन लोगों को बुलाया जाए। दूसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हम कमेटीज बनाएंगे, कंपेन कमेटी बनाएंगे, उसके ऊपर जो है एक व्यक्ति को रखेंगे हम, उसका कन्वीनर बनाएंगे। और दूसरा सोशल मीडिया को एक्टिवेट करने की बात है और जो मैनिफेस्टो बनेगा उसके मुताबिक जो है कैंपेन को आगे चलाएंगे। किस प्रकार से चुनाव का प्रचार चलाया जाए, कांग्रेस पार्टी का प्रचार कैसे हम लोगों को इसमें लेके जाए उसको लेके विस्तृत चर्चा रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की फलताएं हैं उनको हम लोगों के बीच में लेके जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं सभी और जो आस पड़ोस के हमारे प्रदेश हैं, हर प्रदेश के अंदर जो हमारे नेता हैं सभी लोग जो है बताना।